आयशा, आपने अपने फाइनेंस तो बचपन में संभाल लिए थे, एनसीए किया, उन्होंने कहा बाप दादों का और भाई हट जाओ सारे। नहीं, अनफॉर्चुनेटली माय फादर डाइड जब मैं 1.5 साल की थी, तो मुझे ही फिर बाप बनना पड़ा। और सो आई हैड टू वर्क, आई वाज सपोर्टिंग द एंटायर फैमिली अभी भी, बट अल्हम्दुलिल्लाह रास्ते खुलते रहे और करते रहे। उड़ती उड़ती न्यूज मिली है मुझे कि आपको फूड वेंचर में कोई पंगा कर रही है और कुछ चीज लॉन्च कर रही है, वो क्या है? नहीं नहीं, अभी अभी उस पे काम चल रहा है। इस पे काम चल रहा है जी। काम चल रहा है, काम चल रहा है। रिसेंट टाइम में अगर आपको किसी का स्टाइल पसंद हो, ऑप्शन देता हूँ आपको, नसीम शाह, शाहीन शाह और बाबा आजम, अगर कौन सा लगता है वैसे, क्यूट कौन सा लगता है यार? ये क्यूट है, शाहीन शाह। शाहीन शाह, वो क्यों जी? इट्स क्यूट, बताए ना, स्वीट। आई लाइक हिज एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी। मैं इतना वो नहीं है, जानवर टाइप नहीं है, है? अच्छा, वो क्या है उसमें क्यूटनेस क्या है? लेकिन बट बाबर आजम इज बाबर आजम, बाबर आजम, बाबर आजम सर, बड़ा टैलेंटेड बैट्समैन है, ये बात सच है। लेकिन मुझे ये बताइए कि आपको नसीम शाह कैसा लगता? वो भी बहुत अच्छे हैं। ये तीनों जो नाम आपने लिए हैं ना, आई लाइक दीस थ्री क्रिकेटर्स। या वी शुड मेक अ ब्रांड आउट ऑफ देम। यस, ईच वन ऑफ देम शुड बी सिंगल एंटिटी, 100-100 करोड़ रुपए की होनी चाहिए। अभी मैं बातें करता हूँ आयशा इन बच्चों से, तो आप मुझे बताएं, हाउ डू यू, आप उनके साथ सेशंस करते हैं? जी मैंने किया अभी, ग्रूमिंग सेशंस लास्ट मंथ में मैंने किया सबके साथ, वन ऑन वन। आई टोल्ड देम देयर वर्थ, आई टोल्ड देम व्हाट यू शुड डू, आई टोल्ड देम दिस इज योर वर्थ एंड दैट्स व्हाट यू शुड, दैट्स व्हाट यू शुड लुक लाइक, दिस इज अ पाथवेज टू बिकम ग्रेट, एंड दिस इज अ पाथवेज टू बिकम मिलियनेयर्स, दिस इज अ पाथवेज टू बिकम एंटरप्रेन्योर, फिलैंथ्रोपिस्ट, और सारी बातें उतुलंगी सारी। हां, सारी बातें उनके ऊपर। सो इज इट अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, जहां ऑब्वियसली जहां आप नेशनल लेवल पे, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वहां आपको ग्रूम करें, आपको तरीका सिखाया? ये मेरा एक, आई रियली, सो डोंट यू थिंक दैट होप एंड विश कि ये हो, ये होना चाहिए? बस वो फिर आप वेट करें, मेरा पीसीबी चेयरमैन बनने का तभी होगा। तो फिर जल्दी बन जाए आप, जल्दी करो भाई, क्या कर रहे हैं आप लोग, इतना टाइम लगा दिया, काफी मुश्किल बच्चे वेट कर रहे हैं पाकिस्तान के स्टार बनने के लिए, मुश्किल होंगे। मैं सर, मैं आपको बताऊं, मैं इंडिया रहा तो 5 साल मैंने काम किया इंडिया में मीडिया, तो मीडिया उन्होंने मुझे सिखाया, उन्होंने मुझे सिखाया पंक्चुअलिटी क्या होती है, आप हिंदू हैं, धंधे का बड़ा चक्करवार करते हैं, धंधा है का मीडिया उनका, तो उसमें दो नंबरी वो नहीं करते, टाइमिंग क्या है, पंक्चुअलिटी क्या है, बोलना कैसे, इज्जत कैसे देनी है, गेस्ट को अच्छा दिखाना कैसे, ये आपकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। लेकिन मैंने हिंदुस्तान में एक चीज बड़ी मजे की सीखी, वो अपने ब्रांड्स को इतना बड़ा कर देते हैं, इतना बड़ा कर देते हैं, बेशक वो ब्रांड उतना ना हो, लेकिन उसके इर्द गिर्द इतनी लेयर्स डाल देते हैं, लेयर्स इतनी आ जाती है कि एक इंडस्ट्री चल पड़ती है। बिल्कुल ऐसा, एक एक हजार बंदा एक एक बंदे के साथ लगा हुआ, और मैं अपने वसीम भाई हो गए, वकार भाई हो गए, जहांगीर भाई हो गए, ये एक एक पूरी इंडस्ट्री थे जिनको हमने यूटिलाइज नहीं किया। आगे चलते हैं, बहुत सारी साइड बातें हो गई हैं, लाइट लाइट बातें करते हैं यार, अब लाइट लाइट बातें करते हैं। मुझे आपके बारे में बहुत कुछ बताया गया आयशा, मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन टीवी में कह नहीं सकता। फोटोशूट आप बड़ा रिवीलिंग करा दिया मुझे मलिक के साथ, कराती हूँ, ओके सॉरी, तो वो आई डिडंट गो डाउन दैट वेल, ब्रिलियंटली Did? Who said? दुबई में कोई फीमेल कह रही थी कुछ। अच्छा नहीं, मुझे तो कोई बहुत ही fantastic, मैं आपको तंग कर रहा हूं, आपको तंग कर रहा हूं, फीडबैक मिली उसकी, really? की और आज तक मिलती है, अलबत्ता लोगों की थिंकिंग थोड़ी इस तरह की भी है कि आपने एक शूट कर ली तो आपकी शादी हो गई किसी के साथ। हां शादी हो गई, अभी शादी, दे टॉक अबाउट दैट, शूट में सोचू क्या किया एक्चुअली क्या, एंड आई वाज लाइक, एंड देन फाइनली मैंने एक इंटरव्यू में बोला कि I would never be attracted to a married or a committed man ever, guys. Please ये सुन ले कि मतलब कि मैं, जानते हैं सब मुझे, everybody knows I would never be attracted to a married or committed man ever. Obviously, and this is our work. That goes without saying. So ये controversy बहुत बड़ी होगी, खड़ी होगी। यार नहीं थी, वो across the border थी। आये ना। पाकिस्तान में तो नहीं थी यार, हर तरफ हर जगह ये बॉर्डर कहाँ जाया जाता है, बॉर्डर पे टेंशन चल रही है, मीडिया ने क्रॉस द बॉर्डर हो गया थी या नहीं थी। आयशा आपका फेवरेट कलर अपार्ट फ्रॉम ब्लैक कौन सा है? ब्लैक इज नॉट माय फेवरेट कलर, वैसे मैंने अपनी तरफ से झाड़ दिया, लिखा कुछ और था, येलो, येलो, रेड, व्हाइट, ग्रीन, ग्रीन, एक्चुअली आई लाइक ऑल कलर्स, लाइक ऑल कलर्स, अच्छा जी।